ये जतिन, ओ एक सेकंड ब्रो, व्हाट द हेक, यहाँ पे टनल खुदी हुई है और ये पूरा बेस, ओ नो, यहाँ पे बैरन में मेरे 32 डायमंड और एक नेदराइट वगैरह भी रखा हुआ था ब्रो, व्हाट द हेक। एक सेकंड, यहाँ पे भी भाई स्ट्रिंग वगैरह सब कुछ टूटा फूटा है। तो हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग, आप सबका स्वागत है होराइजन एसएमपी के एपिसोड नंबर 2 के अंदर। तो एपिसोड 1 के अपलोड होने के कुछ ही दिनों बाद ही हमारी एसएमपी में कुछ इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से इस एसएमपी के ओनर यानी स्टीव भाई को करना पड़ जाता है इस एसएमपी को रीसेट। इट मींस कि हमारे एसएमपी के जितने भी मेंबर्स थे उनके पास जो भी नेदराइट का आर्मर टूल्स एंड एक्स्ट्रा सामान था एंड एक्स्ट्रा हार्ट्स थे, वो सब उनके पास से चले जाते हैं। इन शॉर्ट, हम एक नए वर्ल्ड से अपनी एक नई शुरुआत करते हैं। एंड एज यू नो कि होराइजन एसएमपी में लगा हुआ है लाइफ स्टील का प्लगइन। इट मींस कि अगर मैं किसी को मारता हूं तो उसका हार्ट मुझे मिल जाएगा एंड अगर कोई मेंबर मुझे मारता है तो मेरा हार्ट उसके पास चला जाएगा। एंड इस टाइप की एसएमपी में किसी के ऊपर ट्रस्ट करना एक काफी बड़ा रिस्क भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आयुष भाई को ट्रस्ट करता हूं, क्योंकि एसएमपी के स्टार्ट में उन्होंने मेरी काफी ज्यादा मदद की थी एंड बदले में मैंने उनके लिए काफी ज्यादा बढ़िया सा बेस बना के दिया था, जो कि डिस्ट्रॉय आ चुका था एपिसोड 1 में। बट फिर भी आयुष भाई को मेरे पे ट्रस्ट होता है एंड मुझे आयुष भाई पे ट्रस्ट होता है, इसलिए वो मुझे अपना बेस दिखाते हैं। ओके गाइस, शायद से इस बेस को थोड़ा बहुत अपग्रेड करने की जरूरत है, तो मैं मिलता हूँ आप सब लोगों से अपग्रेड करने के बाद। ओके गाइस, तो मैंने अपने बेस को पूरी तरीके से अपग्रेड कर दिया, लेकिन मैं आपको वो दिखा नहीं सकता क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग पूरी तरीके से करप्ट हो जाती है। उसके बाद मैं विलेजर्स को कहीं और जगह दूसरे बेस में शिफ्ट कर देता हूं एंड उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट गोल होता है वो है विलेजर्स को मैक्स आउट करना। बट रुको रुको गाइस, विलेजर्स को मैक्स आउट करने के लिए चाहिए रहेंगे मेरे को काफी ज्यादा एमरल्ड्स एंड अब मैं नूबड़े की तरह स्टिक्स बेच के तो एमरल्ड्स कलेक्ट नहीं करने वाला, सो अब मैं उसी ट्रिक का यूज करता हूं जिसका यूज सारे एसएमपी के मेंबर्स करते हैं, वो है स्ट्रिंग ड्यूपिंग। तो अगर आपको नहीं पता तो स्टीव भाई ने एसएमपी के स्पॉन पे काफी ज्यादा तगड़ा सा स्ट्रिंग ड्यूपर बनाया जहां पे काफी ज्यादा स्ट्रिंग मिलती है एंड जब मैं स्पॉन पे स्ट्रिंग कलेक्ट करने जाता हूं तो मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। ब्रो व्हाट द हेक, मैं यहां पे स्पॉन पे स्ट्रिंग वगैरह कलेक्ट करने आया और रिविल पार ने मेरे को 32 डायमंड दे दिए। ब्रो भाई थैंक्स तो लिखना बनता है भाई, सबसे पहले थैंक्स लिख देता हूं भाई। अबे भाई मतलब मैं तो भाई मेरा तो फायदा ही हो गया, मैं तो ऐसे ही स्ट्रिंग वगैरह कलेक्ट करने गया था भाई। 32 एमरल्ड्स, मतलब भाई यहाँ पे किसी पे ट्रस्ट नहीं है एविल भाई, तो एकदम फुल। ओके गाइस, तो अभी अपन थोड़ी बहुत स्ट्रिंग वगैरह कलेक्ट करते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रिंग है, सो यहाँ कलेक्ट करके मिलता हूँ आप सब लोगों से। इसी तरह जब मैं स्ट्रिंग कलेक्ट कर रहा होता हूँ तो शाम को एविल भाई मुझे दोबारा से स्पॉन पे बुलाते हैं। अब क्योंकि उन्होंने मेरे को डायमंड दिया, मुझे लगा उनका कोई काम होगा, तो यप मैं जल्दी से पहुंच जाता हूँ वहाँ पे। ओके गाइस, तो एज यू कैन सी मैं स्पॉन पे आ चुका हूँ, पता नहीं क्यों मेरे को एविल भाई ने बुलाया, मैंने सोचा कि क्यों ना अगर बुलाया तो आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मिल गए। ओके ये भाई एकदम फुल हैकिंग वैकिंग लगा के आए लगता है। हाँ ब्रो, पूछता हूँ किस लिए। ब्रो व्हाट द हेक, 2 अनब्रेक 3 ब्रो, नो ब्रो नो। अबे भाई थैंक यू भाई थैंक यू, मतलब मेरे हिसाब से यार वापस कर देनी चाहिए मुझे भाई 32 डायमंड भाई। एक ये ले लो भाई, एक ले भाई साहब, एक तो ले लो एटलीस्ट भाई। अबे भाई दोबारा भाई दोनों ही ले लो भाई, दो मेरे को दोनों ही नहीं चाहिए ब्रो, दोनों ले लो प्लीज। शिट ब्रो, नेदराइट इंगट नहीं भाई, मेरे को नहीं चाहिए एविल भाई, ना ना मेरे को मत, क्या लिख रहे ले लो। अबे भाई भाई मेरे को नहीं चाहिए, लिखना पड़ेगा नहीं, मेरे को नहीं चाहिए ना, मैं क्या करूँगा अभी, मेरे पास आर्मर तक नहीं है कोई। गिफ्ट है, ओके ब्रो गिफ्ट है, बट मेरे को नहीं चाहिए। ओके रुको देखते हैं क्या लिखते हैं अभी, ये नहीं लिए तो क्या करोगे ब्रो, बैन करोगे क्या, तो क्या दिख देता हूँ, दोस्ती टूट दूँ। ओके अब तो लेना ही पड़ेगा भाई, इतना अच्छा दोस्त है भाई, दोस्ती तो नहीं टूट। ओके विल भाई थैंक यू सो मच, अभी मिलता हूँ मैं आपसे कभी और किसी और दिन, चलो बाय बाय बाय, थैंक यू लिख देता हूँ ऑब्वियसली। एज यू कैन सी एक ऐसे लाइफ स्टाइल एसएमपी जहाँ हर कोई एक दूसरे को मारता फिरता है, वहाँ पे एविल भाई ने मुझे दिए 32 डायमंड, एक नेदराइट का एंगट और 2 अनब्रेकिंग 3 एंड उसके बाद हजारों ब्लॉक ट्रेवल करने के बाद और बार बार स्ट्रिंग वगैरह कलेक्ट करके मेरे पास कुछ इतनी स्ट्रिंग्स आ चुकी थी। ओके सो एज यू कैन सी ये पूरा का पूरा लार्ज चेस्ट एक भरा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे नीचे दूसरा चेस्ट है वो भी भरा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे तीसरा चेस्ट है वो भी मैंने पूरी तरीके भरा है, यहाँ पे चौथा चेस्ट है उसको भी भर दिया है, पांचवा चेस्ट है उसको भी भर दिया एंड छठे में थोड़ा बहुत है, सो इतनी ज्यादा स्ट्रिंग गले मेरी हालत खराब हो गई थी लिटरली गाइस। एंड इन सब चीजों को ट्रेड करके मैंने अपने सारे के सारे विलेजर्स को मैक्स आउट कर दिया एंड अब मेरे पास इतने एमरल्ड्स तो इनफ थे कि मैं अपने लिए एक फुली मैक्स आउट डायमंड के आर्मर और टूल्स ट्रेड कर सकता हूं, सो यप जल्दी से ट्रेड करते हैं। गाइस एज यू कैन सी इस चेस्ट में इतनी सारी बुक्स रखी हुई है, सो अभी मेरे को इन सबको एनविल पे लगाना होगा, सो यप जल्दी से लगाते हैं।
तो अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, इट मींस कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है एंड आगे जाके ये वीडियो और भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो ये मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस टाइप की वीडियोस को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत और टाइम लगता है। सो प्लीज अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो इससे मेरी काफी ज्यादा हेल्प होगी और ये फ्री है। एंड बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर 30 सब्सक्राइबर्स। हमारा नेक्स्ट गोल है 50 सब्सक्राइबर्स को हिट करने का। तो लेट्स सी कि आप कितना जल्दी करवाते हो। बैक टू द वीडियो। ओके गाइस, तो आर्बर को पूरी तरीके से मैक्स आउट करने के बाद मेरे पास काफी ज्यादा एक्सपी की कमी हो जाती है एंड प्लस थोड़ा बहुत मेरा आर्मर भी डैमेज हो जाता है। इसकी वजह से मैं एक बनाता हूँ एक्सपी फार्म एंड वहां पे जाके मैं थोड़ा बहुत अपने आर्मर को रिपेयर करता हूँ। एंड अगले दिन जब मैं दोबारा अपने फूड वाले बेस पे आता हूँ तो तब मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है। ए जल्दी ओ एक सेकंड ब्रो, होता है यहाँ पे टनल खुदी हुई है और ये पूरा बेस। ओ नो, यहाँ पे बैरन में मेरे 32 डायमंड और एक नेदराइट वगैरह भी रखा हुआ था ब्रो। व्हाट द हेक, एक सेकंड, यहाँ पे भी भाई स्ट्रिंग वगैरह सब कुछ टूटा फूटा है। यहाँ पे आए क्या है भाई, यहाँ पे मेरे बेड को ही कवर किया हुआ है ब्रो। व्हाट द हेक, एक सेकंड दूसरे बेस में मैं जाके चेक करता हूँ कहीं वो उसको भी तोड़ फोड़ तो नहीं किया। गाइज जैसा मैंने सोचा था गाइज, यहाँ पर भी भाई पूरी तरीके से ब्रो, यहाँ पे तो पूरा मतलब तोड़ फोड़ है, आई मीन TNT से किया हुआ है। जैसा देख सकते हो ब्रो, यहाँ पे भाई सारे के सारे विलेजर वगैरह सब मरे हुए हैं ब्रो। व्हाट द हेक भाई, इतना मतलब इतनी लूट। और यहाँ पे इधर उधर कहीं मैंने चेस्ट में वो भी रखे हुए थे, क्या बोलते हैं अपना शार्पनेस वगैरह प्रोटेक्शन वगैरह, वो मैंने आयुष भाई के लिए की। भाई सब कुछ तोड़ फोड़ दिया भाई, किसने तोड़ा आखिर ये भाई, एक बार पता चल जाए ब्रो। व्हाट द हेक, इतना तोड़ फोड़ किया हुआ है ब्रो। एंड मेरी तरह आप सब लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर मेरा बेस किसने फोड़ा है। वेल, इसका आंसर मुझे मिल जाता है हॉरिजन SMP के डिस्कॉर्ड सर्वर में। तो गाइस जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो कि हमारा बेस नॉट मुनफ ने तोड़ा था एंड उसके बाद मैं और अल्ट्रा परवेश दोनों मिलकर एक प्लान बनाते जिसके अंदर हम मनफ को एक काफी ज्यादा तगड़े से ट्रैप के अंदर गिराने वाले थे। एंड गेस व्हाट, मनफ उस ट्रैप के पास आ भी जाता है एंड आगे क्या होता है वो सब आप खुद ही देख लो। ओके मनफ आ चुका है भाई, जैसे कैसे भाई ये गिर जाए। ओके भाई ये ग्लिचेस हो रहे हैं पता नहीं क्या ब्रो, एक सेकंड ब्रो, मन भाई कैसे। ओके अबे भाई ये यहाँ पे क्यों आ गया ब्रो, गड्ढे में गिरना चाहिए ना इसको। अबे बाहर निकल मनफ, मनफ बाहर निकल जा प्लीज़, मनफ बाहर आ जा। ओके मनफ तो बाहर निकल गया बिल्कुल ठीक है। परवेश जैसा ही तैसा करके भाई, ओ गिर गया ब्रो। वो ओके मैं जंप कर देता हूँ, लेट्स गो। ओके आप ओ नो ब्रो, परवेश ने मिस कर दिया और मेरी हेल्थ कम है। ओके मनफ मैं तो बस परवेश को गिराने की कोशिश कर रहा था। ओके मनफ ये इसको शायद से पता नहीं चला कि मैं इसको मारने की कोशिश कर, नहीं ब्रो मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया ब्रो। ओ नो, नहीं अबे भाई अब तो कोई चांस नहीं, वो 20 हार्ट पे मैं उसको चाह के भी नहीं लड़ सकता। नहीं तो गाइस जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि हमारा प्लान पूरी तरीके से चौपट हो गया था क्योंकि अल्ट्रा परवेश ने MLG मिस कर दी थी एंड मेरे साथ 1.19.80 के ग्लिचेस हो गए जिसकी वजह से मेरे को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, प्लस मेरा नेट भी थोड़ा बहुत इशू करने लग गया था एंड ऊपर से मनफ के पास थे 20 हार्ट्स तो मैं उसे चाह के भी PvP नहीं कर सकता था। एंड वेल हमारा प्लान चौपट हो जाता है। उसके बाद मैं मनफ के सामने ये प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ कि मैं तो तुम्हारी टीम में हूँ और मैं परवेश को स्कैम करने की कोशिश कर रहा था। एंड वेल वो मान भी जाता है एंड वो मुझे मेरा सामान और मेरे को हार्ट दे देता है। सही वक्त आने पे मैं तुमसे कभी ना कभी तो बदला लूंगा और वो तुम्हें काफी ज्यादा हिट करेगा। सो या बी रेडी।